खबर दुधही से है, जहां नगर पंचायत दुधही को विकास एवं उत्थान के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने का संकल्प लिया हूं। इसी कड़ी में नगर पंचायत दुधही के विभिन्न वार्डों में पूर्व प्रधान एवं चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुनील गुप्ता शाकिर अली ने भ्रमण कर लोगों से अपनी प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने अपने जनसंपर्क के दौरान बताया है कि सभी मोहल्लों के संपर्क मार्ग, गलियारे तथा रास्तों को सीसी युक्त करने के साथ साथ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करना मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अपने संपर्क के दौरान लोगों से पात्रों को खदार योजनाओं, पेंशन, वृद्धा, विधवा, विकलांगों की योजनाओं को भी पात्रता के आधार पर लाभान्वित करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत दुधही की जनता के सम्मान की रक्षा और उन्हें पात्रता के आधार पर वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी चुनावी एजेंडे का मुख्य मुद्दा है। आगे उन्होंने मीडिया टीम को बताया कि अगर नगर पंचायत दुधही की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो चुनाव में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करेंगे। आगे उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जनता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अनाथों और असहायों की सेवा करने से मन को संतुष्टि मिलती है। पहले ग्राम सभा में था, अब परिसीमन के बाद ये नगर पंचायत में आया है। काफ़ी प्रत्याशी लोग चुनाव चेयरमैन का लड़ रहे हैं, सभी लोग अपना अपना घोषणा पत्र लेके घूम रहा है और साम दाम दंड भेद सबका खेल चल रहा है। हर प्रत्याशी के अपने अपने मुद्दे हैं। इसी क्रम में हम बाजार में घूम रहे थे, गली मोहल्ले में, तो नाम चर्चा में आ रहा था सुनील गुप्ता जी का, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, पत्रकार भी हैं प्रेजेंट में दैनिक जागरण के, तो आ रहा था। तो मैं सोचा कि चलो मिल लूँ उनसे, ये चर्चा में नाम आ रहा है तो इनसे समय लिया। तो ये मतलब अभी जस्ट मिले तो इनसे मैं पूरा डिटेल पूछूंगा किस मुद्दे पर लड़ेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो मैं जी अपना परिचय दीजिए। मेरा उसी परिचय दे तो मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, मैं स्वर्गीय मनमोहन लाल गुप्ता के लड़के हैं और मेरे पिताजी केनोनिया की फ्लाई से कोरोना में कार्यरत रहे हैं और वॉलीबॉल और फुटबॉल को अच्छा अंतर्राष्ट्रीय वो प्लेयर जी, मैं उनके सुपुत्र हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय गया प्रसाद गुप्ता जी जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जी, और मेरे पिताजी कांग्रेसी लीडर रहे हैं, कांग्रेसी नेता रहे हैं, सी के एन सिंह वगैरह, और अच्छा उनका संबंध रहा है उन पार्टी से रहे हैं। साथ ही मेरे वो पिताजी आज अखबार के संवाददाता रहे हैं, जब अखबार आज का बनारस से आया करता था तब से संवाददाता। मैं भी सुनील कुमार गुप्ता, मैं अपना पत्र देते हुए बता रहा हूँ, मैं भी दैनिक जागरण का गोरैया से काफ़ी दिनों तक अपना पत्रकारिता किए हैं और जब देवरिया जनपद था तब से मैं अखबार से जुड़े हुए हैं। जन्म से ही मैं एक तरह से अखबार से जुड़े हैं, सारे अखबार की लिखी आज भी हमारे पास जितने अखबार यहाँ आते हैं। और मैं 2005 में प्रधान रहे हैं तो मैंने क्या क्या काम किया था, ठीक है काम कर रहा हूँ, मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। साथ में ये भी बता दें कि 2005 मले में पहले में 2000 में एक सदस्य हुआ करते थे, वार्ड नंबर 1 से मैं सदस्य चुन कराए थे, जनता का प्यार मिला था और बच्चा सहयोग मिला। फिर 2005 में हमको जनता ने बारी भतों से मुझे प्रधान नियुक्त किया, चुनाव चुना जी जी जी, और मैं 35 साल से यहाँ प्रधान करे बच्चा रहा है के प्रधानजीत को धराशायी करके मैं 2005 से 2000 तक प्रधान रहे और गरीबों के वोटों से हम बने जी। और गरीबों को वोटों से बनने के बाद मेरा एक यही सपना था कि मेरे भी परवरिश गरीबी बुझी हुआ है जी, तो मेरा उनके पास बहुत लगाव था, इसलिए गरीबों के लिए मैंने काफ़ी काम किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में थी और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक श्री डॉक्टर पी के राय हुआ करते थे, उनके माध्यम से मेरे गांव को समग्र गांव किया गया और मेरे गांव को समग्र गांव होने से काफ़ी धन प्राप्त हुआ, जिससे मनरेगा के तहत भी, और आवास तो समझिए कि मेरे यहाँ 700 कुछ आवास प्राप्त हुए थे उस समय जी, जिसमें पूरे बस्ती पूरे हरजनों को मैंने संतृप्त किया आवास देकर निःशुल्क जी जी, और उसके साथ जितने झोपड़ी वाले रहे उनको सर्वे करा कर हमने आवास दिया था और किसी मकान वालों को नहीं दे पाए, इसलिए हमने सोचा कि यदि 5 आवास जी जी मकान वालों को देते हैं, किसी अपने ही को देते हैं तो 5 झोपड़ी वाले बच जाएंगे जी। ये मुझे मतलब स्वीकार नहीं, आत्मा का वारा नहीं था, इसलिए हमने 100% झोपड़ी वालों को दिया, वो घर बने, आज उसमें लोग रह रहे हैं। वो एक रेखा खींची गई जिसको बराबर करने का आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया है, आगे बढ़ने की बातें छोड़ भाई। जब जीतते हैं अगर यहाँ से चेयरमैन बनते हैं तो क्या 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 काम करेंगे, क्या क्या काम आप? अरे हम तो आपसे कह रहे हैं ना, गरीबों का भी बहुत से काम बाकी हैं जी,
अब वो तो ग्रामीण योजनाएं थी जी, अब तो शहरी योजनाओं को लॉन्च करना है जी, जी। उस शहरी योजनाओं के तहत उन गरीबों का कायाकल्प होगा जी, जी। यदि यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाला ईमानदारी से गरीबों के प्रति सोच रखता हूँ जी, जी। और ये मेरा सपना है जी कि उनको मैं पुनः जी उन गरीबों को, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा ये नगर पंचायत, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि नगर पंचायत इसको घोषित किया जी, इसके पहले इसके नगर पंचायत के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्कत किया हूँ जी, जी जी और इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बड़ी अच्छा योगदान रहा है नगर पंचायत बनाने के लिए। उस समय मेरे प्रधानी कार्यकाल में राम प्रसाद जी हुआ करते थे विधायक बरहत से जी, मैं उनको आवेदन किया था, उस आवेदन को उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया बैस के नाते जी, जी जी और इस नगर पंचायत की ये फाइल तत्काल तैयार की गई थी, सब कुछ करते हुए लास्ट में जिसको घोषणा होना था नगर विकास मंत्रालय से जी, जी। लेकिन तब तक सरकार उनकी चली गई, फिर सरकार बीजेपी की आई, वो आगे सपा किया हुआ है फिर इसमें हम भी अपने प्रधानी कार्यकाल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन नक्शा जितने गाँव हम सिलेक्ट किए थे आज वही गाँव लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस वर्तमान गवर्नमेंट को और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तत्कालीन विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी, तो उसी का कहते हैं मेरे मैप को, मेरे प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी को लागू किया, इसलिए उनको झंडा ज्ञापन करता हूँ। क्षेत्र में जनता का समर्थन कैसा मिला? अरे बहुत अच्छा स्नेह प्राप्त है उनका, मेरे वो पूजनीय है जनता जी, आदरणीय है। मैं आज गया हूँ अपने गाँव पुराने गाँव मैहरवा के, बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों का भी उनको ये था कि पोस्टिंग मुझे बहुत थोड़ा विलम्ब से आए हैं, विलम्ब से आने के बारे कि क्षेत्र में इस समय बहुत धन बलियों का बहुत सा वर्चस्व है, पोस्टर वगैरह हम उतना उनको कंपोजिशन तैयार नहीं कर सकते जी, जी, जी। नक्शा जितने गांव हम सिलेक्ट किए थे आज वही गाँव लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस वर्तमान गवर्नमेंट को और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तत्कालीन विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, उसी क्या कहते हैं मेरे मैप को, मेरे प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी को लागू किया, इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्षेत्र में जनता का समर्थन कैसा मिला? अरे बहुत अच्छा स्नेह प्राप्त है उनका, मेरे वो पूजनीय है जनता जी, आदरणीय है। मैं आज गया हूँ अपने गांव पुराने गांव मैहरवा के, बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों का भी उनको ये था कि पोस्टिंग मुझे बहुत थोड़ा विलम्ब से आए हैं, विलम्ब से आने के बारे कि क्षेत्र में इस समय बहुत धन बलियों का बहुत सा वर्चस्व है, पोस्टर वगैरह हम उतना उनको कंपोजिशन तैयार नहीं कर सकते जी, जी, जी। लेकिन मैं अपने कार्यों का फल पर मुझे आशा है, विश्वास है, एक बार पुनः समाज सेवा करने को ही गरीब मुझे लाएंगे और मैं उनका सेवा करकर अपने दुधही नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में दर्जा दिलवाऊंगा, समग्र विकास करके समुचित व्यवस्थाएँ देकर जी, चाहे वास हो जी, नाली हो, क्रंजा हो जी, और मूलभूत समस्याएँ उसको समाधान करना जी। अच्छा, क्या लगता है प्रत्याशी कैसे हैं? ये क्या नाम है आपका? यूनिस अंसारी। तो क्या लगता है प्रत्याशी कैसे हैं? आप तो इनको जानते होंगे। प्रत्याशी हमारा ठीक है, पहले तो सरकार रह चुके हैं, हम लोग काम किए हैं जी, इसमें हम लोग रिजल्ट कर रहे हैं। कमीशन भी लिए थे, कुछ घूस वूस लिए थे कि नहीं? ना, एक भी पैसा, एक भी पैसा नहीं लिए थे। का चाचा, आपका नाम क्या है? सदीक अंसारी। सदीक अंसारी। तो आपको आवास वास दिया था कि नहीं इन्होंने? दिया है। कुछ मैंने कमीशन घूस लिया था, रिश्वत कुछ नहीं, एको रुपया नहीं है? तो क्या लगता है, मैंने प्रत्याशी ठीक है, काम करेंगे? हम लोग के लिए ठीक है, आज भी इनके साथ, आज भी खुला साथ है, खुला साथ जी। प्रत्याशी तो आप तो सभी वर्ग का लग रहा है, ट्रेन मिल रहा है, ये तो घर में निरपेक्ष वाली बात है, आपने सेकुलर वाली बात है। आपसे बता रहे हैं, आपको मेरे गाँव में जाइए, मुजहर बस्ती जो हमारे यहाँ हरजन बस्ती है, वहाँ जाकर पूछिए कि सुनील गुप्ता ने आवास आपको दिया तो कितना दिया? 7 आवास यहाँ बने, एक घर में 4 बेटे उनके रहे, 4 आवास दिए गए, और 4 आवास में यदि वो 25 पैसा देने की बात कहते हैं तो मैं जो कहिए सो, ये जरूर कहेंगे कि यहाँ आज जो चुनाव मैदान में मेरे प्रतिद्वंदी दो हैं, उन मुजहरों का, उन मजबूर लोगों का मुझसे बरगला कर जी जी, उनसे बरगला कर उनके में अविश्वास पैदा करके उनसे ये कहा गया, मैं पासबुक रखा हुआ था ताकि, इसलिए कि हमारे SDM उस समय तत्कालीन महेंद्र राय साहब थे, डॉक्टर महेंद्र राय साहब, BDO इस समय महेंद्र राय साहब थे, डॉक्टर महेंद्र राय साहब, BDO इस समय मोतीलाल बिंद हुआ करते थे, लेखपाल राजेंद्र यादव थे, सारे हम लोगों ने ये बनाया था कार्य योजना की, क्यों ना हम लोग मुसर बस्तियों को एक कॉलोनी बनाया जाए जी, उस कॉलोनी बनाने के लिए सारे
पासबुक जो है बी डी ओ साहब के निर्देश पर एक जगह एकत्रित था वो मुसहरों का, दोनों मुसहर टोलियों का। जी जी। और उसमें इसीलिए प्रयासरत थे तब तक, बीच में ये जो हमारे प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से चुनाव मैदान में आज भी हैं उन लोगों को, अन्य लोगों के घर बनना लगा तो उनको बरगला दिया गया, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। जी जी। तुम कैसे घर बनेगा, प्रधान तुम्हारा पैसा बढ़ा जाएगा तो नहीं देगा। जी जी। अब उसको बरगला पुनः उन्होंने कई जगह जिलाधिकारी के यहाँ, वीडियो के यहाँ, ये सब जो है भेजे लोग। वो आए वो सर बात वीडियो साहब के साथ, छोड़िए इनको पासबुक दिया जाइए, अपने मन से ही बनाए, जब हम पर विश्वास नहीं। जी जी। आप पर विश्वास नहीं है तो हमने उनको दिया। फिर उस पासबुक को वही हमारे प्रतिद्वंदी, जो हम भी नाम नहीं रखना चाहेंगे, आज भी दोनों लोग प्रधान के रूप में रह चुके हैं, यहाँ जो है प्रतिनिधि करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी पासबुक इकट्ठा कर लिए। जी। और अपने द्वारा जी ट्रकों से मंगा कर अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था के, अपने आमदनी का स्रोत बनाते हो उसको काम करवा के, जो आज भी छू रहा है बेचारे वो गरीब परेशान है। मुझे वादा करता हूँ उन सरों को, जी उन गरीबों को, हरिजनों को, और उन सभी वर्ग के हरिजनों को, सभी लोगों को लिए, हर वर्ग के लिए, कि मैं यदि नगर पंचायत का प्रतिनिधि करने के लिए जनता मुझे सौंपती है तो मैं शहरी योजना के तहत जी उनका आवास दूंगा। वो जो 5.5 लाख का वो जो लागत से बनने वाला सुविधा युक्त होगा वो देने का काम करेंगे, और उनको पुनः जी वो जो छत उनका टपक रहा है वो उससे मुक्ति मिल दिलवाएंगे, यह मेरा वादा है। बताइए, ये थे प्रधान जी, थे सुनील गुप्ता जी। कई जगह तो प्रधान नाराज हो गए थे, परिसीमन उनका ग्राम सभा आ गया था नगर पंचायत में, तो ग्राम प्रधान नाराज हो गए थे, वो हाईकोर्ट चले गए थे कि ना मेरा ग्राम सभा नगर पंचायत में नहीं जाएगा, मैं फिर से कैसे चुनाव लड़ूंगा, एरिया लंबा हो जाएगा, इसलिए वो अपने स्वार्थ के करते कई लोग हाईकोर्ट में प्रधान लोग ठोक देते, मगर इन्होंने नगर पंचायत बनाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना ग्राम सभा को भी त्यागा, और सोचा कि डेवलप होगा अगर शहरी योजना में आता है हमारा, तो इन्होंने त्याग किया, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। तो क्या अंत में जनता से अपनी क्या अपील करेंगे? हम जनता से अपील करते हैं कि आप मुझे देख चुके हो, मैं आपको कहीं नुकसान किया हो, या कहीं थाने पुलिस कहीं भी आपको डांड उड़ाड़ दिलवाए हों, या कहीं आप भी गांव सभा की जमीन पर घर बना रखे हो तो उस पर मैंने आपसे धनाधोहन किया हो, कहीं भी कहीं से दिख जाए तो मुझे आप उंगली उठाइए, मैं वो अपना पर्चा दाखिला नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से आपके काम किया हूँ, आपका सेवा किया हूँ, यदि आप इस लायक इस पद के लिए समझ आगा, और सोचा कि डेवलप होगा अगर शहरी योजना में आता है हमारा, तो इन्होंने त्याग किया, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। तो क्या अंत में जनता से अपनी क्या अपील करेंगे? हम जनता से अपील करते हैं कि आप मुझे देख चुके हो, मैं आपको कहीं नुकसान किया हो, या कहीं थाने पुलिस कहीं भी आपको डांड उड़ाड़ दिलवाए हों, या कहीं आप भी गांव सभा की जमीन पर घर बना रखे हो तो उस पर मैंने आपसे धनाधोहन किया हो, कहीं भी कहीं से दिख जाए तो मुझे आप उंगली उठाइए, मैं वो अपना पर्चा दाखिला नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से आपके काम किया हूँ, आपका सेवा किया हूँ, यदि आप इस लायक इस पद के लिए समझ रहे हो एक बार पुनः मुझे मौका दें ताकि मैं आपकी सेवा करूँ, पुनः आपको खुशहाल देखूँ। आज 15 मेरे हटने के बाद आज कितने खुशहाल मुझे दिख रहा है। ये थे सुनील गुप्ता जी, थे पूर्व प्रधान थे, और ये प्रेजेंट माने चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज़, मैं मनीष तिवारी, धन्यवाद।